नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि संकट मोचन हनुमान जी ने उठा लिया है गदा। अब आपके जीवन काल के सारे दुखों का, सारी विपत्तियों का, सारी परेशानियों का, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में लगातार चल रही है, पिछले कई वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर एक उपाय करवा लिए, जीवन काल में आप बहुत ज़्यादा थक हार गए। लेकिन दोस्तों, संकटों के निदान महाबली हनुमान जी एक बार अवश्य करते हैं, अगर उनके ऊपर आपका सच्चा श्रद्धा सच्चा विश्वास है। जी दोस्तों, अरब महाबली हनुमान जी आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। एक प्रकार से कहें दोस्तों, आपकी मेहनत का फल, आपकी भक्ति का जो फल है, यश में देने वाले हैं। बालाजी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो चुकी है। जी दोस्तों, आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अचानक से बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों, बालाजी पर यकीन कीजिए। आप सभी को बता दें कि जीवन काल में यूं ही आपकी परेशानियां चुटकियों में खत्म होती रहेंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में पिछले समय से ही इतनी परेशानियां चल रही है कि दोस्तों आप कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, किसी को सुना भी नहीं सकते कि हमारे जीवन काल में यह परेशानी चलती है। कि दोस्तों, समाज के लोग, बाहर के लोग आपका मजाक भी उड़ा देते हैं, आपको हमेशा खिल्लियाँ उड़ाने में लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने दुखों को, अपने दर्द को अंदर ही दबा कर रखते हैं। और दोस्तों, सभी बातों को लेकर आप बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी महाराज, हे मेरे ईश्वर, कब हमारे दुखों का अंत होगा, अब आपका ही सहारा है। दोस्तों, ऐसे तमाम प्रकार की क्रियाएं आपने जीवन काल में करते हैं, जिनसे दोस्तों ईश्वर तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन दोस्तों ईश्वर को यह चीज़ पता होता है कि कौन सा कार्य हमें कब देना है। जी दोस्तों, और यश में भी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जीवन काल की जो भी परेशानियां हैं, जो भी लगातार चल रही है दोस्तों, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, दोस्तों यश में खत्म होने वाले हैं। और दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग आपको पिछले समय परेशान करते थे दोस्तों, जिन लोगों के चलते आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किए हैं, जिनके लिए आप रोए हैं दोस्तों, वे सभी भी बधाए हैं। विपरीत एनर्जी वाले लोग भी बोल सकते हैं दोस्तों, इन सभी से आपको अब मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीवन काल में आपके बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, बस बालाजी महाराज पर यकीन कीजिए, उनके भक्ति भाव पर ध्यान दीजिए, उनमें लीन रहिए। दोस्तों, अपने कामों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हालांकि दोस्तों, पिछले समय से ही आप भगवान पर विश्वास रखते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय में आपके जीवन काल में ऐसे तांत्रिक क्रियाएं भी हुई है, जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में प्रॉब्लम हुआ है। जिस प्रकार के खाने आपके नहीं पच रहे थे दोस्तों, चाहकर भी आप चाहते थे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन दोस्तों समय समय पर आपको बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। जीवन काल में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वश में, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि वश में भी बालाजी ने ही आपको रक्षा किया है, और यश में भी बालाजी है, जो कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करेगा। बशर्ते दोस्तों, बालाजी पर आप निरंतर विश्वास करते रहें, उनकी पूजा अर्चना करते रहें, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हो बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा, आपकी अर्जी स्वीकार होगी, बालाजी महाराज प्रसन्न होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे वीडियो में बात करते हैं कि आने वाले 4 दिनों के अंदर भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। दोस्तों, सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप मिस करने की भूल ना करें, वरना दोस्तों जीवन काल में जो परेशानियों से आप जूझ रहे थे वह मुक्त होने में देरी लग सकती है। तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 4 दिनों के अंदर जो भी ग्रहों की बदलती चाल होगी आपके जीवन काल में, आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, करियर में, सभी में कौन कौन सी बड़े सुधार करने वाले हैं, कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 4 दिनों में आपको कौन से उपाय को करना है ताकि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहे, हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो सके, जीवन काल में सारी समस्याओं का अंत हो जाए। भाई दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, यह समय कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी काम को अंजाम देने में भी आप सक्षम रहेंगे। प्रकृति आपका साथ भी दे रहा है। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दें,
इनसे दोस्तों आप अच्छी कामयाबी यश में हासिल भी कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी दोस्त के साथ तकरार हो सकती है। अपने स्वभाव पर यश में आप नियंत्रण रखें। कभी कभी दूसरों पर अधिकार जमाना आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ा देता है। बातचीत करते समय जो है उचित शब्दों का चयन करें। जमीन जायदाद संबंधी कार्य जो है यश में स्थगिति रखें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम के प्रति आपकी निष्ठा भी इसमें बढ़ेगी, जिसकी वजह से बड़ों की मर्जी आप पर बनी रहेगी और दोस्तों उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन द्वारा आप काम की जगह प्रगति आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहेंगे। युवाओं को अपने जीवन शैली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। आलस्य से इसमें आप दूर रहें। जीवन को बेहतर बनाने की सोच विचार को वास्तविकता का रूप देने के लिए वर्तमान में रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम की दिक्कत तो आपके ऊपर रहेगी, परंतु उचित सफलता मिलने से आप थकान और तनाव को भी भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों काम में ध्यान को यश में केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभाओं को पूरी तरह जागृत करने का समय होगा। आपको अपने व्यक्तित्व में भी निखार देखने को यश मिल सकता है। चचेरे भाई बहनों से किसी वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु दोस्तों रिश्तों को इसमें मजबूत रखने में आपका प्रयास सफल भी रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि खुद की योजनाओं पर टिके न रह पाना तथा खुद के द्वारा रखे गए लक्ष्य को अपने आलस्य की वजह से प्राप्त न कर पाना, इनकी वजह से खुद की प्रति चिड़चिड़ा आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों आपका बढ़ता गुस्सा नुकसान का कारण हो सकता है। खुद के प्रति अधिक कठोर व्यवहार न रखते हुए अपने लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बांटकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इन्हें आप कर पाएंगे। जो लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं ऐसे लोगों से इसमें दूरी बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों भविष्य के लिए ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही चिंता का यश में समाधान मिलने से आपकी मानसिक थकान मिटेगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। आपको बता दें कि आप अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्य रूप देने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल भी आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यह समय छोटी मोटी बातों की वजह से किसी के साथ भी ना उलझें तथा अपने काम के प्रति ही आप ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपके विचारों में जो है संकीर्णता हावी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इसी कमी को दूर करने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक होकर कुछ निर्णय लेने की वजह से लोगों के साथ आपके भले ही संबंध अच्छे न बने रहेंगे, फिर भी दोस्तों आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश क्या आपको खुश रख सकती है या फिर खुश रख रही है, इस बात को जानने की यश में आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। यह समय दोस्तों तथा जानकारों के साथ आप समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपका आने वाला जो समय होगा बहुत ही मजबूत समय होगा। ये संपर्क आपके लिए उन्नति का कारक साबित होगा या फिर उन्नति का नए मार्ग यश में ये खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मसला भी हल होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाओं को पूरी तरह सोच विचार करके ही क्रियान्वित करें। जल्दबाजी में करने से दिक्कत आ सकती है, इस बात का आपको यश में ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं को मौज मस्ती और घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान लगाने की अपेक्षा अपने जो है कार्यों पर ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए भविष्य के लिए जो है बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो यश में आप याद रखें आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेन देन संबंधी कार्यों को भी आप यश में टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में ही कुछ ना कुछ नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी दोस्तों अपने लक्ष्यों से आपको भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको यश में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। काफी कोशिशों के बाद भी जीवन में प्रगति ना देख पाना आपको केवल तकलीफदायक साबित हो रहा है और दोस्तों लोगों से मिल रही आलोचना भी आपके अंदर से तोड़ रही है। इसलिए दोस्तों लोगों की बातों की तरफ अधिक ध्यान न देते हुए अपने जो है काम पर ध्यान को केंद्रित रखें।
और इसके प्रणाम दोस्तों यशु में। अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशु में कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। विद्यार्थी लोग अपनी नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में पूरी तरह मेहनत करें, ये जो समय है आपके लिए अनुकूल परिणाम भी आपको हासिल हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद व फिर सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा, आपस में मनोरंजनात्मक समय व्यतीत होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों त्वचा संबंधी कोई एलर्जी की आशंका है, अधिक सर्दी या फिर खुले वातावरण में जाने से पहले अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले 4 दिनों में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के यह उपाय है, महाबली बालाजी का यह उपाय है, जो कि आप सभी के जीवन काल में बहुत ही कामगर कारगर सिद्ध होंगी। आप इन्हें बहुत ज़्यादा श्रद्धा से कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी भी दिन मंगलवार को, शनिवार को बंदरों को या फिर फकीर को गुड़ तथा चना देना है। दोस्तों इनसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपका व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, तो बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीद कर लाएं, तोते को आज़ाद कर दें। तोता जितनी दूर तक उड़ जाएगा, आपका व्यापार उतना ही तेजी से चलेगा, उतना ही अधिकतर लाभ को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये उपायों को करें, साथ ही और इसी तक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन समय शुभ रहे।